शाहपुर पुलिस ने चोरी के एलईडी टीवी, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल व 14,000 रुपए नगद के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में थाना शाहपुर के नया गांव नंदा नगर निवासी अखिलेश पासवान पुत्र रमाश्रय, राहुल पुत्र विद्यासागर तथा दीपक पुत्र इंद्रजीत के रूप में हुई है। शाहपुर थाना पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नंदा नगर क्रॉसिंग मेन रोड पर शातिर चोर अखिलेश, राहुल, दीपक को पुलिस ने चोरी किए गए सामानों के साथ गिरफ्तार किया, जिनकी तलाशी लेने पर चोरी के 1 LED TV, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल व 14,000 रुपये नगद बरामद हुआ। पूछताछ में चोरों ने चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना शाहपुर के द्वारा चौकी झरना टोला के द्वारा कुछ साथी चोर पकड़े गए हैं। आज दोपहर मुखबिर की सूचना पे इन्हें जब ठीक पकड़ा गया तो इनके पास से पूर्व में चोरी किए गए सामान बरामद हुए हैं, जिसमें से जांच पड़ताल करने पे ये चीज़ स्पष्ट हुआ कि इसी महीने 13 तारीख को और पिछले महीने 24 तारीख को 2 जगहों पे इन्होंने ठीक चोरी की थी, जिसमें से 1 LED TV, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल और कुल 14,000 रुपये नगद इनके पास से बरामद हुआ। इनके द्वारा अन्य भी कई जगह हैं, ये इनके द्वारा कहा गया है कि चोरी हम लोगों ने किया है, जो इन्हें अभी मतलब ज्ञात नहीं है। और ये जो भी चोरी का सामान मिला वो पूर्व में लिखे गए मुकदमों से लिंक हुआ है और इन्हें अब ठीक जेल भेजा जा रहा है। इसमें 1 LED TV मिली है, 2 लैपटॉप मिला है चोरी का और 3 मोबाइल, और जो भी इन्होंने ठीक नगद पैसे चोरी में मिले थे उसमें से जो भी खर्च इन्होंने किया है उसके बाद कुल 14,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ। इससे पूर्व में भी कोई आपराधिक? बिल्कुल, आपराधिक इतिहास इनका है। ये चोरी से लेकर आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 16 और 17 में भी ये लोग जेल जा चुके हैं इसके पहले। ये घरों की रेकी करते हैं, जो घर ये देखते हैं कि अमूमन मतलब खाली चल रहा है कुछ दिनों में, या तो अब तो शादी विवाह के समय या तो अब तो छुट्टी के मौसम में, ये उन घरों को रेकी कर लेते हैं, 2-3 दिन तक देखते हैं कोई नहीं आ जा रहा है तो फिर उसके बाद ये वहाँ अपना प्लान बनाते हैं और वो चोरी करते हैं। इनके गैंग के कुछ और भी मेंबर हैं, अभी उनकी तलाश जारी है। मूल रूप से ये रेगुलरिया क्षेत्र के और यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये अपने शौक को पूरा करते थे, जैसा इनका कहना है